सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं गुड्डी नेगी अपने नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। कैसे हो? आई होप अच्छे ही होंगे। और आज मैं नए वीडियो बना रही हूँ, तो उसमें आज मैं बनाऊँगी मटके वाला मटन। तो देखते हैं हम मटके वाला मटन कैसे बनाते हैं, आप लोगों से भी शेयर करते हैं। मैंने कहीं देखा था तो फिर हमने सोचा कि हम भी बना के देखते हैं। आज हम भी बना के देखेंगे, हमने उसे चूल्हे में बनाएंगे। तो देखते हैं किस तरीके से बनता है, जैसे भी बनेगा आप लोगों से भी शेयर करेंगे। फिर ये मसाला हमारा तैयार हो, ये मसाला पीस गया है, ये पीस के तैयार कर दिया है। अब देखिए ये है मसाला, ये मिर्च है, हरी मिर्च, हमारी मिर्ची खाते हैं, ये लहसुन, ये प्याज है, और ये लहसुन, और ये अदरक। अब इसको मैं इसमें पहले मटन, अब मैं इसमें करूँगी तैयार, ये डाल दूँगी। ये है प्याज और ये है लहसुन, लहसुन और अदरक। तो इसमें ये सारा डाल दूँगी मैं, ये जो सामान तैयार करा हुआ था मैंने, ये देखिए। अब इसमें एक पैकेट डाल दूँगी मैं, इस मटन का मसाला है ये जो, इस तरीके से। अब इसमें डालूंगी मैं सरसों का तेल, ये सरसों का तेल डाल दिया है मैंने इसमें। इसे पहले मैंने गरम कर लिया था, ये कच्चा नहीं है, ये पकाया हुआ तेल है। ये मैंने पहले गरम कर दिया था, ये पकाया हुआ तेल है, इसे पकाया हुआ तेल डालना है इसमें। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी मैं, ये और ये हल्दी और ये धनिया वगैरह, इसमें मैं इसी में मसाला मिला के रखती हूँ मैं। हल्का सा इसमें लाल मिर्च डाल दूंगी, ये आमचूर है, ये आमचूर डाल दिया मैंने इसमें। ये है हमारी मटकी, ये देखिए ये मटकी है, इसमें मैं डालूंगी तेल। इसमें तेल डाल के ये मैं घुमा दूंगी इसमें, ताकि इसमें जो इसके कहते हैं जो छेद होता है वो छेद बंद हो जाते तेल से। ऐसे करके ये डाल दिया मैंने। तो अब मैं इसमें मटन मिलाऊंगी, ये 1 किलो मटन है, इसको मिला दूंगी मैं इसमें। लहसुन के है, ये लहसुन भी मैं मिक्स कर दूंगी मैं इसमें। ये देखिए अब ये तैयार हो गया। अब मैं रखूंगी इसे हांडी में, इसे हांडी में रख दूंगी। ये हमने इसमें भर दिया है, अब इसके बाद में इसमें ढक्कन रख दूंगी। ये देखिए ये ढक्कन में होल कर रखा है, ये ढक्कन में होल कर रखा हमने, तो इसको ऐसे ऐसे करके रखेंगे, ऐसे करके इस तरीके से रखेंगे ये। अब इसमें ये देखिए ये है आटा, अब मैं इसमें आटा लगा दूंगी। ढक्कन बड़ा हो गया, इसके छेद में भी लगा दूंगी मैं ये ढक्कन, ये आटा इसके छेद में अभी मैंने लगा दिया, इसे बाद में खोलेंगे इसको जब पकने लग जाएगा मीट वो मटन, तो ऐसा करके लगा दूंगी इसको, इस तरह से इसका इसकी सील बंद कर दूंगी मैं, ताकि हवा ना आए, हवा बाहर ना आए, ये कुकर के तरह हो जाएगी।
देखो ये हमने पूरा कवर कर दिया इस तरीके से, ये जो छेद कर रखा था वो भी कवर कर दिया हमने, बंद कर दिया है इसे। तो आप अगर गैस में भी बनाना चाहते हो तो गैस में भी बन जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमारे पास तो चूल्हा है, सुविधा है, तो बाहर में तो हम उसी में बना रहे हैं, उसमें बना के देख रहे हैं, पहली बार बना रहे हैं, देखते हैं कैसा बनता है ये। तो ये वैसे बकरे के हिसाब से भी बनता है, 6 महीने का है, साल भर का है, कितना बड़ा है तो उसके हिसाब से टाइमिंग भी होता है, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा। तो देखते हैं अभी हमारा कितना, ये कितने टाइम में बनता है। ये देखिए ये हमारे अंगारे तैयार हो गए हैं, हमारा चूल्हा ये तैयार हो गया है। अब इसमें रखूँगी मैं मटका। ये मैंने रख दिया है मटका इसमें, बस इसमें इसमें अंगारे भर रखे हमने, कोयला भर रखे। अब ये धीमे धीमे आंच में बनता रहेगा। अब इसमें कम से कम 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बाद देखेंगे हम ये कैसे बना है। इसे बीच बीच में हिलाते रहना है ताकि ये ढंग से हर मसाला मिक्स हो जाए। 15-15 मिनट बाद हिलाना है इसे, हर 15 मिनट बाद ऐसे हिलाते रहना है ताकि ये मिक्स हो जाए, अच्छी तरह से पक जाए। ये कोयले की आँच है, हमने कोयला डाल रखा है इसमें चूल्हे में। ये कम से कम 45 मिनट हो गया हमें, अब देखते हैं ये कैसे बना है, इसे खोल के देखेंगे। आटा इसका हमने सारा निकाल दिया, खोलो। हाँ खोलो पिटारा, पिटारा खोलो, देखते हैं कैसे बना है। लग तो अच्छा रहा है, मस्त लग रहा है वैसे देखने में, तो खुशबू भी अच्छी आ रही, खुशबू भी अच्छी आ रही है इसकी। थोड़ा सूख गया है ज़्यादा, हमने हमने ज़्यादा देर में निकाला इसको, हमें कम से कम 15 देर में नहीं, थोड़ा आग भी तेज, ज़्यादा तेज हो गई थी, आँच तेज हो गई थी इसकी, अंगारे संदीप की वजह से। टेस्ट कर, खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, लहसुन है, लहसुन मस्त बना हुआ है। मटन खा के बताओ कैसा हुआ है। अच्छा बताया, थोड़ा नीचे हल्का लग गया, आग तेज की वजह से ज्यादा जल गया, थोड़ा सा जल गया। पहली बार बनाया हमें अंदाजा नहीं आया इसका, अब अगले बार बनाएंगे तो अब अंदाजा हो गया हमको।